गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स डे 7 ऑफ 7 डे सैलड्स एंड सूप चैलेंज. आज है लास्ट डे ऑफ माई चैलेंज एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने इतने बढ़िया से ये चैलेंज किया है. तो आज 7th डे है, इसलिए आज सुबह नहीं, कल सुबह मैं वेट चेक करूंगी, जो कि आपको इस व्लॉग के एंड में देखने को मिलेगा. नो, फास्ट फॉरवर्ड करके एंड तक नहीं जाना, आज का पूरा व्लॉग देखना फिर एंड तक पहुंचना. नो चीटिंग. चलिए दिन की शुरुआत करते हैं अपने क्या बोलते हैं बादाम से. अंजीर और किशमिश मैंने नहीं लिया अभी, क्योंकि वो बहुत हीट होता है, राइट. एंड अभी फिलहाल आई नीड टू गिव ब्रेक टू हैविंग हीट थिंग्स, इसलिए ओनली बादाम ले रही हूँ. ये भी गाय थे, अब ये खाने पड़ेंगे ना. आज का सीन ऐसा है, मुझे मेरी एक फ्रेंड के घर जाना है एंड वहाँ पर मैं कैसे सैलेड और इसको ये करूँगी पता नहीं, लेकिन 4-5 घंटे के लिए मुझे जाना है और लंच है उसके यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर लूँगी, दिखाऊँगी आप लोग को. नो वर्डिस, ठीक है. तो चलिए अभी बज रहे हैं 10:15, मुझे 10:30 बजे तक निकलना है. चलो निकल गई हूँ मैं, जाकर आती हूँ. वहाँ पर क्या खाऊँगी वो आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर बनी है बिरयानी, लेकिन मैं ले रही हूँ सिर्फ कोशिमीर और कोई ऑप्शन नहीं है. सो गोइंग बैक होम, अभी बज रहे हैं 3:30. मैंने 3-4 कटोरी वो कोशिमीर जो है वो खा ली और कोई ऑप्शन नहीं था. अब रात के डिनर में बनाऊँगी सैलड अपना, कौन सा वाला बनाते देखते हैं. लेकिन अब जल्द से जल्द घर पहुँचूँ तो फिर जो है सेशन वो लेना है इवनिंग बैच का. एंड ये हील होने लगा है बढ़िया से. चलो गाइस, लेट्स गेट रेडी टू मेक अ सैलड एंड मेरा आज का डिनर. तो आज है लास्ट डे ऑफ सैलड एंड सूप चैलेंज. एक तरीके से ना लिटरली मैं कल शेयर करूंगी कि आई हेट सैलड से लेकर आई लव सैलड तक की मेरी जर्नी इन 7 डेज के बारे में मैं शेयर करूंगी आप लोगों से. अभी फिलहाल के लिए अपने डिनर की प्रिपरेशन करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर डाला है घी और मैं थोड़ा सा इसमें ना पनीर सौते करने वाली हूँ. पनीर को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सौते करूंगी और मैंने एयर फ्रायर में जो क्या बोलते हैं रेड पेपरिका वाली चिलीज होती है ना, जो पिज्जा के टॉपिंग पर मिलती है, वो वाली चिली मेरे पास है, लाइक जो कि विनेगर के अंदर होती है, सम काइंड ऑफ पिकल काइंड ऑफ में होती है वो फॉर्म में, तो उसको मैंने एयर फ्रायर में रखा है. तो ये हुआ लिटिल बिट ड्राइड चिली, तो ये होगी इसकी टॉपिंग. अरे भाई बीच में से उठो भाई, आखिर किचन पर तुम लोगों ने कब्जा जमा रखा है. अभी डायरेक्ट प्रिपरेशन कर लेते. तो यहाँ पर वेजीज में क्या क्या है, लेटस है और जुकीनीज है बोथ कलर्स वाली, फिर यहाँ पर टमेटो एंड अनियन है बस, और इसके साथ अपना ड्राइड चिली, ड्राइड रेड पेपरिका चिली, और साथ ही है दैट पनीर. और ड्रेसिंग के लिए मैं सोच रही हूँ, Let's prepare our dressing first and here goes orange juice. I've taken half orange, black pepper powder, black salt, oregano, chili flakes. Whisk it all together. Let's add lettuce, two zucchinis. 2 colored zucchinis, onion, tomato, sauteed paneer, red paprika chilies. Now mix it all together. And our amazing tangy paneer salad is ready. Ab toot pado. So guys, here's my orange tangy paneer Caesar salad. Let's taste it. Oh my god, I didn't expect this. The sweetness of orange. Wow. I must say, मैं salads बनाने में pro हो चुकी हूँ. पता नहीं कहाँ कहाँ से ideas आ रहे हैं मुझे. Best. Like I know मैं ये बहुत बार कह चुकी हूँ,
बट मैंने जितने भी सैलड्स बनाए हैं एवरी सैलड वॉज बेस्ट इन इट्स प्लेस और ये भी उतना ही बेस्ट है. यू ऑल गाइज मस्ट ट्राई दिस. मेरे ये सैलड सीरीज को प्लीज व्यर्थ मत जाने दो, ट्राई करो और मुझे बताओ यार. आई एम रिक्वेस्टिंग अपने स्टोरीज पर सैलड बाउल को शेयर करो, अपने अपने बाउल को मेरे रेसिपीज वाले, एंड प्लीज टैग मी. आई वॉन्ट टू सी. मैं आज तक किसी ने भी अभी तक मेरे जितने भी मैंने सैलड्स बनाए से एक हफ्ते में किसी ने भी ट्राई नहीं किया, ये मैं श्योरिटी से बोल सकती हूँ क्योंकि आप लोगों ने ना बनाया ना मुझे टैग किया. सही बात है, इसलिए आप लोगों ने मुझे टैग नहीं किया क्योंकि आप लोगों ने इसे बनाया नहीं. दैट्स सैड. मेरी इतनी मेहनत सारी व्यर्थ है अगर आप लोग इसे ट्राई नहीं करोगे तो, है ना. तो गो हरी अप ट्राई इट. एंड किसी ने मुझे दो दिन पहले कि वो सूपी नूडल्स वाले व्लॉग में पूछा था कि क्यों इतनी चॉपस्टिक से खाने की मशक्कत कर रहे हो. द थिंग इज आई हैव एक्सपीरियंस. मतलब मुझे नहीं पता था चॉपस्टिक से खाने में क्या फ़ायदा है, बट यस चॉपस्टिक से खाने में ये फ़ायदा है आप धीरे धीरे खाना खाते हो एंड आप छोटे छोटे बाइट्स लेते हो, ये फ़ायदा होता है. मैंने लिटरली एक्सपीरियंस किया है वो. तो चॉपस्टिक से खाना इज रियली वेरी गुड. ऑफकोर्स वो आसान नहीं है बट सीख जाएंगे एक बार. आप ट्यूटोरियल्स देख लीजिए, यूट्यूब पर है, गूगल पर है कैसे खाते हैं. मुझे अभी तक आया नहीं है पूरी तरीके से, आई एम नॉट अ प्रो स्टिल येट, बट मैं डेली ट्राई करते रहती हूँ. आज मेरे पास टाइम नहीं बचा है क्योंकि इट्स ऑलरेडी 8 o'clock. मुझे लाइक घर पहुँचने में देरी हो गई, फिर इवनिंग का सेशन नहीं ले पाई मैं, जिस वजह से मेरा आज का डिनर भी हो गया. एंड आफ्टरनून में तो आप लोगों ने देखा ही कि जहाँ मैं मेरी फ्रेंड के घर पर गई थी तो वहाँ पर बिरयानी बनी थी, बट आई स्किप्ड बिरयानी टोटली एंड आई हैड ओनली द कोशिंबीर, जो रायता होता है सिर्फ वो लिया मैंने, जिसमें कि दही था, ककड़ी, गाजर, टमाटर था. आई हैड दैट. नहीं नहीं बोलकर मैंने 3-4 बाउल छोटे छोटे जो कटोरी होते हैं ना, 3-4 कटोरी ले लिया. उसके बाद फिर भूख लगी घर पर आने के बाद, तो नाउ हैविंग माय सैलेड. होप आप लोग को मेरी ये सैलेड सीरीज पसंद आई हो, सैलेड एंड सूप. डू ट्राई इट गाइस, आई एम रिक्वेस्टिंग. एंड अभी कल ना मैं एक अलग ब्लॉग लाऊंगी, लाइक वॉट वॉज माई एक्सपीरियंस इन दिस सैलेड जर्नी. ठीक है, ये एक हफ्ता भर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा. अपॉन दैट आप लोग को इस वीडियो के अभी एंड में मेरा जो मैं कल सुबह वेट चेक करूँगी ना, वो आप लोग को दिखाऊँगी मैं. तो स्टे ट्यून फॉर दैट. बस इसके बाद की क्लिप आप लोग को मेरा वेट चेक ही देखने को मिलेगा डायरेक्ट. देखते कुछ डिफरेंस आता है नहीं, या मेरी मशीन सच्ची में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है. हाय मैं क्या बोलूँ, नया तो लेना ही है मुझे. मैंने जो मुझे चाहिए था वो मैंने ऑर्डर करने के लिए डाला था बट इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक, तो अब रुकना है उसके आने के लिए. लेकिन मैं अभी आप लोग को मैं जो मेरा वेट चेक है वो दिखा देती हूँ, देखते क्या फ़र्क आया इस एक हफ्ते में. बिकॉज सादा खाना आई एम मिसिंग अ लॉट. एंड कल मैं मिस्टर गुप्ता को बोलूँगी प्लीज़ मेरे लिए उनके हाथों की मशहूर यमीएस्ट टेस्टीएस्ट दाल बनाने के लिए, जिसको कि मैं चावल के साथ चपेड़ूंगी एकदम से. अभी फ़िलहाल मैं इसके इन्जॉयमेंट लेती हूँ. जो ऑरेंज डाला है उस वजह से तो एकदम धमाल हो रखी है. तो मैं ट्राई करूँगी कि कल मिस्टर गुप्ता की वो फेमस दाल जो है उसका रेसिपी शूट करना और मेरे कुकिंग चैनल पर डालने के लिए. ठीक है, सो उसके लिए भी रुकेगा. और हाँ, एक और अपडेट, जो भी मेरे सारे ये सैलड्स एंड सूप्स की रेसिपीज़ है जो पूरे इन 7 दिनों में मैंने डाली है, उन सारे रेसिपीज़ पर्टिकुलर रेसिपी वाला पार्ट जो है वो मेरे कुकिंग चैनल पर हर एक दिन आता रहेगा. ओके, इवनिंग 6:30 आई अपलोडेड. तो मेक श्योर टू वॉच इट देयर एंड सेव इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु इज अ सैलड लवर. एंड अगर जो कोई सैलड लवर नहीं है तो आप उसके साथ भी शेयर करिए. बिकॉज मी बींग अ नॉन सैलड लवर आई लव सैलड, आई हैव स्टार्टेड लविंग सैलड्स अ लॉट. तो जिसको भी सैलड पसंद नहीं है उसको इस तरीके से सैलड खिलाइए और उसका दिल जीतिए. ठीक है, चलिए अब मैं इसे फिनिश कर लेती हूँ एंड मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले क्लिप में, जहाँ की आप लोग को मेरा वेट चेक देखने को मिलेगा. टाटा, गुड मॉर्निंग गाइस. चलिए फिर आज वेट चेक करते हैं, ये 7 डेज में क्या डिफरेंस आया वो देखते हैं. उससे पहले मैं पूरा जो मेरा फरवरी मंथ का वेट का अप एंड डाउन है वो आप लोग को रेशियो पूरा बता देती हूँ. तो शुरुआत हम करेंगे 120 डेज चैलेंज का लास्ट डे से, जो कि था कब, 6th of February. ओके, 6th February वॉज द लास्ट डे. उस दिन वेट आया था 95.35 या 45 ऐसा कुछ आया था, हम 45 पकड़ लेते, 95.45. एंड उसके बाद मेरा प्रेगनेंसी हुआ,
फिर एक ही दिन में मिसकैरेज हुआ। 16 तारीख को मिसकैरेज के बाद वेट चेक किया था तो इट वॉज 100.05, ठीक है, तो ये था। उसके बाद फिर कब वेट चेक किया, हाँ 22 फेब को, जब सारे सेशंस शुरू हुए थे ना, जो वर्कआउट सेशंस है मेरे 39 डेज वाले वो शुरू हुए थे, तो उस दिन चेक किया था तो इट वॉज 97.60, ओके 22 फेब, यस। एंड उसके बाद जब मैंने ये फर्स्ट डे शुरू किया सैलड एंड सूप का ऑन 26 फरवरी, उस दिन इट वॉज, यानी कि मुझे तो पता था कि वेइंग मशीन ख़राब है, लेकिन उस समय नंबर आया था अगेन 100.50, पहले तो 100.05 एक बार आया था, तो अभी 100.50 आया था, ठीक है। और ये कब की बात है, ये 26 तारीख की बात है, यानी कि मंडे, जो मेरा ये चैलेंज का सैलड एंड सूप चैलेंज का डे वन था। तो मेरे को लगा मैं नया मशीन जो है वो ले लूँगी, लेकिन जो मुझे अभी चाहिए वो इन स्टॉक है नहीं अमेज़न पे, तो इसीलिए इसी पर करना पड़ेगा। तो 100.50 आया था और 26 फरवरी द फर्स्ट डे ऑफ सैलड एंड सूप चैलेंज। अब देखते हैं कितना आता है, क्या पता वो मशीन ख़राब है इसलिए 100 दिखा रहा था, या फिर मैं सच में 100 पहुंच गई थी, क्योंकि यस 22 से 26 तारीख के बीच में आई हैड डन लॉट्स ऑफ चीट, तो बढ़िया से एकदम सारे बोलते ना खाने पीने में बहुत चीट किया एंड डेली वो आइसक्रीम खा रही थी मैं, तो हो भी सकता है। अब चेक करते हैं कि कितना आता है, अगर 100 के नीचे आया तो पक्का फिर उस दिन 100.50 ही। चलिए फिर आज का वेट चेक करते हैं। 97.25, मतलब कितने का डिफरेंस आया, 3.25 kg। अब ये मुझे कुछ भी अंदेशा नहीं है कि ये एकदम सही है या इस ये मशीन के वजह से ये अगड़म बगड़म है, बट अगर ऐसा देखा जाए तो 3.25 kg का डिफरेंस है। चलो, हाँ वैसे तो मेरे को क्योंकि ना 22 फरवरी से मैं कैसा सेशन वालों की वजह से थोड़ा थोड़ा एक दो काउंट्स वर्कआउट का कर रही हूँ, एक दो काउंट्स ही कर रही हूँ क्योंकि उनको बताने के लिए तो उतना करना ही पड़ता है ना, तो उस वजह से मेरा जो ये वाला पोर्शन है ना, ये अभी बीच में इतना ऐसा फोल्ड किया था तो ये अंदर गया है, ये मेरे को फील हो रहा है, दैट इज चीज। उसके बाद अब इंचेस का पता नहीं, हाँ चेस्ट के इंचेस थोड़े से बढ़ गए हैं, ये मैंने कल वो रेड कलर का ड्रेस पहना था ना तो उस वजह से मुझे पता चल गया था। तो यस कुछ ना कुछ तो फ़र्क है, बट ये सैलड वाला करने से अगर 3.25 का सच में फ़र्क है तो इट्स गुड, हाँ लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी महीना भर के लिए 6 महीना भर के लिए सिर्फ और सिर्फ सैलड एंड सूप्स नहीं खा सकता। हाँ जो स्ट्रिक्ट डाइट पर है, कीटो वगैरह ये सब पर है, वो अलग बात है कि वो लोग खा लेते हैं क्योंकि उनको वो ही चीज़ खानी होती है, वो महीने में एक बार या साल में एक बार चीट करते हैं, अपना वैसा नहीं। मुझे नॉर्मल दाल चावल खाना है, आज मैं खाऊंगी तो उसका सेपरेट ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए मैं ये ब्लॉग करती हूँ एंड, एंड मेरा ये जो 7 डेज जो सैलड एंड सूप की जो जर्नी है वो आप लोगों को कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड जो भी सैलड एंड सूप मैंने बनाए हैं प्लीज़ डू ट्राई। अब परसों के दिन मैंने ये किया था 6th डे पर, वो बोलते हैं ना सैलड बनाने लगी थी लेकिन वो दलिया बन गया था, दलिया की तरह फॉक्सटेल मिलेट का, तो वो वैसा बनने के बाद आई शुड हैव टेकन यू नो लेटर्स एंड ऐड दैट दलिया इनटू दैट लेटर्स, लेकिन मेरा सेशन चल रहा था तो मुझे वो वक्त नहीं मिला, इसलिए फिर मेरे को वैसे ही खाना पड़ा, तो इट वॉज लाइक अ वेट कुक्ड सैलड उस किस्म का हो गया फिर। ओके देन चलिए फिर मिलती मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। अब अगला क्या चैलेंज लेकर आऊँगी मैं पता नहीं, बट हार्ड वर्कआउट के लिए तो मार्च एंड तक आई हैव टू वेट, ओके यानी कि अप्रैल से शुरू करूँ, एंड मेरी 1 ईयर वेट लॉस जर्नी की एनिवर्सरी आने वाली है ऑन 22 मार्च, तो करते हैं उस दिन कुछ बढ़िया सा, मुझे सजेस्ट करो कि मैं क्या करूँ इस दिन, ठीक है, मतलब उस दिन के वीडियो में आप लोग को क्या चाहिए, लाइक फॉर द सेलिब्रेशन, खाना पीना नहीं, फॉर द सेलिब्रेशन क्या सेलिब्रेट करें हम, क्योंकि मेरा वेट लॉस जर्नी में ये पहला ऐसा साल है जो एक पूरा साल लगा, वरना एक दो दिन में आई जस्ट लीव इट, तो आई एम सुपर हैप्पी
एंड इसके बाद फिर वी हैव टू कंटिन्यू. ओके चलिए अब मैं चलती हूँ, मेरा सेशन का टाइम हो रहा है, गेट रेडी. बाय बाय. तो चलिए फिर, ख्याल रखिए आप सबका. जय श्री राम एंड राधे राधे. ओके गाइस, तो वर्कआउट हो गया लाइक मेरा नहीं सेशन वालों का, तो एक तो मेरा भी हो गया. एंड अभी बज कितने रहे हैं, 9:15 बज रहे हैं. और एक और बढ़िया सी न्यूज़ दैट्स मैं कॉपी हिट फिर से आ गए, फिर से यानी कि अभी लास्ट मंथ जो मेरा मिसकैरेज वाला था ना, 15th से लेकर 20 तक वो वाला पीरियड था. एंड अब आज क्या तारीख है, 4 मार्च, आज फिर से आ गए. तो यानी कि मेरे रेगुलर पीरियड्स जो है वो आए हैं. तो यही चीज़ बतानी थी. चलो आज ही ख़त्म होना था, मतलब और भी वजन कम हुआ होगा राइट. अब पीरियड के टाइम पर वेट थोड़ा बढ़ जाता है ना, इस वजह से 97 मतलब और भी कम हुआ होगा.